नमस्कार, मैं हूं निर्मा बिश्नोई। न्यू रेसिपी रसोई चैनल में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी बनाएंगे वो महिलाओं के लिए रामबाण है। रसोई में बन रहे हैं मेथी के लड्डू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नई नई रेसिपी आप तक पहुंच पाए। चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना साफ करके लेने हैं और ये 300 ग्राम आटा और आधा केजी घी लिया है। एक कटोरी देसी शक्कर, 300 ग्राम गुड़ लेंगे। गुड़ जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। एक चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और ये 200 ग्राम गोंद। 150 ग्राम लेंगे बादाम। 100 ग्राम काजू। आप गेहूं के आटे की जगह सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट और ऐड कर सकते हैं। अब मेथी को पीस लेंगे। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं मेथी को। पतीले में 250 ग्राम घी लिया, महीन पिसा हुआ मेथी पाउडर अब इसमें मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी बूरा और ऐड करेंगे। आप बूरे की जगह गुड़ भी ले सकते हैं, खांड भी ले सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अब इसे ढककर रात भर रख देंगे। मेथी के लड्डू से पेट संबंधी सारी समस्याएं खत्म होगी। काजू भून लेते हैं, ऐसे ही बादाम भी भून लेंगे। बादाम को मिक्सी में पीस लेंगे। कढ़ाई में 250 ग्राम घी गरम कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके गोंद फुला लेंगे। फूले हुए गोंद से लड्डू में अच्छा फ्लेवर आता है। ठंडी में मेथी के लड्डू भी बहुत फायदेमंद हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए बी और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है। सारा गोंद फुला लिया है। अब इसी घी में आटा भी भून लेंगे। आपको अगर मेथी के लड्डू नहीं खाना है तो दूध में एक चम्मच मेथी पाउडर डाल के पी सकते हैं। कमर दर्द, घुटनों का दर्द में भी फायदा करेगा। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच घी और डालेंगे। आटे को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आटा पक गया है, अच्छी खुशबू आने लगी। आटे को मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब इसमें गुड़ ऐड कर देते हैं। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ आप कम ज्यादा ले सकते हैं। ये लड्डू खाओगे तब लगेगा नहीं कि गुड़ डाला इसमें। गुड़ जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा रहता। गुड़ में भी फास्फोरस भरपूर मात्रा में है। चुटकी भर हल्दी और गुड़ खाने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। ज्यादा पकाना नहीं है, गैस बंद कर देते हैं। गुड़ ज्यादा पकाने से लड्डू टाइट हो जाएंगे। ये मिश्रण अब बड़े बर्तन में डाल देते हैं।
आपको अगर आधा केजी मेथी के लड्डू बनाने हैं तो आप सारे आइटम डबल मात्रा में ले लें। मेथी को ना तो दूध में भिगोने का झंझट, ना दही में भिगोने का। ये लड्डू साल भर तक खराब नहीं होंगे। आटा हमारा हल्का गर्म है, अब इसमें ये मेथी डाल देंगे। मेथी खाने से पाचन तंत्र तंदुरुस्त रहता है। और ये बारीक पीसा हुआ गोंद भी ऐड कर देंगे। पीसी हुई बादाम भी ले लेंगे। सौ ग्राम काजू के टुकड़े, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। अगर घी कम लगे आपको तो घी को गर्म करके और डाल सकते हैं। अपनी खुराक के अनुसार घी कम ज्यादा ले सकते हैं। 100 ग्राम घी और लेंगे। अब फूला हुआ गोंद भी ऐड कर लेंगे। अब सारे मिश्रण को मिला के लड्डू बना सकते हैं। इन मेथी के लड्डू में पूरा 600 ग्राम घी लगा। लड्डू बनाने से पहले थोड़ा आप टेस्ट करके देख लें। मीठा अगर कम ज्यादा है तो आप और मिला सकते हैं। अपने मनपसंद छोटे बड़े लड्डू बना लें। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। आप ये मेथी के लड्डू जरूर बनाइए। मेथी के लड्डू बनके तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।